अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है पैरेलल कंप्यूटिंग के हवाले से, कि पैरेलल कंप्यूटिंग में हम परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी को कैसे देखते हैं, और हमारे जो मल्टी प्रोसेसर हैं इनकी स्पीड अप के लिए और इनके गुड एफिशिएंसी के लिए हम कौन से लॉ इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमारे पास अहमदाल लॉ और गट्सफंसन लॉ है। तो सबसे पहले परफॉर्मिंग मैट्रिक्स के लिए हमें जो मैट्रिक्स पैरेलल होते हैं उसके लिए हमें कुछ मैट्रिक्स चाहिए परफॉर्मेंस को देखने के लिए। किसी चीज़ को बेहतर जज करने कुछ मैट्रिक्स होते हैं। तो पैरेलल सिस्टम की परफॉर्मेंस के देख लेकर हम मैट्रिक को मेजर करते हैं तो हमारा टाइम होता है रनिंग टाइम। रन टाइम के एक आपने प्रोसेस आपने प्रोसेसर को एक एक टाइम एक प्रॉब्लम एग्जीक्यूट करने के लिए दिया, वो कितना टाइम उसको लेता है एग्जीक्यूशन के लिए। द पैरेलल रन टाइम इज डिफाइन एज द टाइम दैट एलाप्स फ्रॉम द मोमेंट दैट अ पैरेलल कंप्यूटेशन स्टार्ट टू द मोमेंट दैट इज लास्ट प्रोसेसर फिनिश एग्जीक्यूशन। कि हमारे फर्स्ट टाइम से हमारे एक हमने जो प्रोसेसर को एक प्रॉब्लम दिया उसको सॉल्व करने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है, उसकी कंप्यूटेशन स्टार्ट करता है जब से और वो उसको मुकम्मल कर देता है उसकी प्रोसेसर उसकी एग्जीक्यूशन को। तो हम उसको वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास रनिंग टाइम होता है। तो इसके लिए हम इसमें हमारे पास दो चीज़ें होते हैं, एक सीरियल रन टाइम और एक पैरेलल रन टाइम। तो हम उसे डिनोटेड बाय टी एस सीरियल रन टाइम और पैरेलल रन टाइम को टी पी, ये हम इसको आगे देखेंगे। और यही हमारे पास मेजरिंग मिनट होते हैं कि जी हमने कुल मिला के देखा कि पैरेलल रन टाइम कितना है, कितना हमने एक प्रॉब्लम को दिया। तो जब भी तो ये हमारे पास एग्जीक्यूशन है प्रॉब्लम के हिसाब से कि इसकी एग्जीक्यूशन क्या है। कि सीरियल रन टाइम में हमारे पास सीरियल पोर्शन का सीरियल वे में हमारे पास एग्जीक्यूशन हो रही है, और पैरेलल रन टाइम के पैरेलल के जो हमारे पास एग्जीक्यूशन है उसका जो टाइम है स्पीड अप। अब हमने लाजमी है कि एक और हमारा मैट्रिक्स है कि हम परफॉर्मेंस को देखेंगे ही ऐसे कि हमारे पास पैरेलल सिस्टम में स्पीड अप कैसे की जाएगी और क्या बेहतर स्पीड अप क्या है और क्या व्यू है। तो स्पीड अप के लिए द स्पीड इज डिफाइन द रेशियो ऑफ सीरियल रन टाइम ऑफ द बेस्ट सिक्वेंशियल एल्गोरिदम फॉर द सॉल्विंग प्रॉब्लम टू टाइम टेकन टू पैरेलल एल्गोरिदम सॉल्व द सेम प्रॉब्लम ऑन पी प्रोसेसर। कि हमारे पास एक प्रोसेसर पी है, हम उसमें कहते हैं जी हमने एक ही प्रॉब्लम सिक्वेंशियल एल्गोरिदम को भी दिया और वो प्रॉब्लम हमने पैरेलल एल्गोरिदम को भी दिया। तो हम दोनों का टाइम देखेंगे क्या स्पीड अप है, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि जी वो कितना टाइम लेते हैं सिक्वेंशियल वे में या सिक्वेंशियल एल्गोरिथम में, और वही चीज़ पैरेलल एल्गोरिथम में उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। और अब नंबर ऑफ पी प्रोसेसर कि वहाँ कितने प्रोसेसर उसको सॉल्व कर रहे हैं सिक्वेंशियल वे में और कितने नंबर ऑफ प्रोसेसर उसको सॉल्व कर रहे हैं पैरेलल में। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा है जी एन नंबर्स ऑन अ एन प्रोसेसर, कि एन नंबर्स प्रॉब्लम है एन साइज है और वो हम एन प्रोसेसर को दे रहे हैं एक हाइपर क्यूब में। तो इस केस में होता है टी एस, आपको पता है कि बिग ओ एन है सीरियल रन टाइम और पैरेलल रन टाइम बिग ओ है लॉग एन। बिग ओ और लॉग एन ये हमारे पास एल्गोरिथम का एनालिसिस टाइम है, टाइम एनालिसिस होता है कि एक प्रॉब्लम कितना टाइम ले रहा है। वर्स्ट केस बिग ओ हमारे वर्स्ट केस होता है कि वर्स्ट केस कितना टाइम लिया जाएगा कि बुरे से बुरे हालात में, तो वर्स्ट केस है बिग ओ। तो ये हमारे पास बिग ओ एन ओवर लॉग एन, तो ये हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट होती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो है हमारे पास एन नंबर ऑफ ऑन एन प्रोसेसर हाइपर क्यूब। ये हमारे पैरेलल स्पीड अप है या और ये हमारे पर इंक्रीज कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस प्रोसेसर, वाई एक्सिस उसकी स्पीड है।
अगर हमारे पास लीनियर वे में होगा तो ये पोर्शंस आपके पे लीनियर एग्जीक्यूशन होगी, अगर उसमें हम नेगेटिव से हम नंबर ऑफ प्रोसेस इंक्रीज करते हैं तो वो सब लीनियर होते हैं। यूजिंग रिडक्शन एल्गोरिदम, रिडक्शन एल्गोरिदम में हम पर कंप्यूटिंग द सम ऑफ 16 नंबर ऑन अ 16 प्रोसेसर हैपर क्यूब। अब हैपर क्यूब क्या होता है? हैपर क्यूब हमारे पास से एक किस्म का इसकी रिडक्शन होती है और ये हम देखते हैं। हैपर क्यूब होता है के जी क्यू एन, एन वहां पर नंबर ऑफ, और ये हमारे पास है जी एन बिलोंग करता है किससे? एन हमारे पास सबसेट है 0, 1, 2, 2 और अप टू सो ऑन एन टाइम तक। अगर हम क्यू, और ये होते हैं हमारे पास 2 की पावर n, तो ये हम इससे वर्टिक्स कैलकुलेट हैं। अगर हम 2 की पावर 0 रखते हैं तो हमारे पास 1 वर्टिक्स होगा, उसका कोई एज नहीं होगा। एज के लिए हमारे पास 2n n-1 एज के लिए होता है। और अगर हम 2 1 करते हैं, ये है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? और ये आपके इस तरह कनेक्ट होंगे, यानी कि एच इस तरह कनेक्ट होते हैं, तो ये 0 होगा और ये आपके पास 1। और हमारे पास फर्दर इस केस में अगर हम 2 की पावर 2 करते हैं तो हमारे पास एक ये सिनेरियो इस तरह यानी कि प्रीवियस वाला 2 की पावर n 1, 2n-1, तो ये वर्टिक्स होते हैं। हमने इसको इस तरह रखा, ये हमारे पास 0 था, ये 1 था, और यहाँ आपके पास एक और है, ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, और ये आपके पास 0 है तो आप इसको अगेन 0 कर देते हैं, इसको आप भी यहाँ 0 लगा देते हैं, ये भी 0 था और ये 1 था, आपने इसके इधर 1 और इसके इधर 1। अब आपने देखना है इसको ज्वाइनिंग करनी है कि इन दो को ज्वाइन कैसे करेंगे। तो जो एडजेसेंट होते हैं जिसके एटलीस्ट 1 टाइम चेंज होगा, जिसके उसमें जैसे ये 0 0 है तो 1 1, इस केस में दोनों सेम हैं तो ये हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, हम इसको इस तरह ज्वाइन करेंगे। 0 1 है और 1 0 है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। 0 1 0 0 एक चेंज है, हम इसको करेंगे, और इसमें भी एक चेंज है तो हम इसको कनेक्ट कर देंगे। फिर हम करते हैं जी अब 2 की पावर 3, तो 8 होते हैं, यानी कि एक ये और एक इधर आपका एक और बनेगा जो आपके इस फॉर्म में होगा। अब इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके इधर नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज कर देंगे,
प्रीवियस वाले के साथ जो टू की पावर टू था, और ये था आपके पास 0 0 0 1 1 1, और ये था आपके पास 1 0। इधर आप 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1। तो ये हमारे पास बाइनरी में होते हैं। अब आपने जो एक डिफरेंस थे, जैसे कि ये सेम था, यानी कि 0 0 था, 1 चेंज था, तो 1 बिट जो चेंज होगी उसको कॉइन हमने ज्वाइन कर देना है। जैसे अब मैं ये देखें, जैसे इस फॉर्म में ये ज्वाइन किया, 1 0 था, 0 1 था, हमने इसको ज्वाइन किया, इसी तरह इसको और इस तरह इसको। अब ये आपके पास एक क्यूब की शक्ल में बन गया, इसी को हैपर क्यूब कहते हैं। और इसके साथ ही आप एक और हैपर क्यूब को डिज़ाइन कर देते हैं इसके अंदर, या फर्दर एक हम यहाँ ऐसे ही ये इस फॉर्म में था। सेम बिट इधर इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे ये था आपके पास 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1, ये आपके पास 0 अभी आपके मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसमें जो अगेन जो चेंज हैं, हम इसको हम यहाँ इसमें 0 इंक्रीज कर देते हैं, ये था आपके पास 2 की पावर 3 8 के लिए, और ये हम आपका 2 की पावर 4 16 के लिए हमने यहाँ इंक्रीज कर दिया। जी ये आपके पास 1 1 1 1 1 1 4 बिट बाइनरी में है, 2 की पावर 4 है तो 4 बिट बाइनरी में। अब आप ये देखें 0 1, आप अब इसको इस फॉर्म में पहले इसको देखते हैं, 0 0 0 0 0 1 है, और ये 1 0 0 है। इस बिट में कितने हैं, 1 चेंज है, 2 चेंज है, ये नहीं लेना, 1 2 चेंज है,
आपने इसको इसके साथ पीछे नहीं है, इस पर इसके साथ इस रंग की जो आपके पास बिट चेंज होती हैं हम उसको देखते हैं। जैसे ये 6 तो सिर्फ 14 के साथ और 2 को 10 के साथ और 4 को 12 के साथ, 5 को 13। तो इस तरह इसकी रिडक्शन जो को हम मिनिमाइज करते हैं हैपर क्यूब में। कंप्यूटिंग द सम ऑफ 16 नंबर एंड ऑन द 16 प्रोसेसर हैपर क्यूब में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ स्पीड अप। तो यहाँ पर ये रेशियो है स्पीड अप की टू द नंबर ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर के जितने वहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेसर इंक्रीज करते हैं तो एफिशिएंसी ऐसी होगी कि हमने उसका पार्ट इंक्रीज किया। और हमारे पास जब भी हम एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए तो हमें स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। किसके लिहाज से? उसके सीरियल की रन टाइम के हवाले से, ये यानी कि जो सीरियल हमारे पास एग्जीक्यूशन हो रही है उसके सीरियल टाइम के, सीरियल फ्रैक्शन पार्ट के हवाले से। और पी हमारे पास प्रॉब्लम है प्रोसेसर, नंबर ऑफ प्रोसेसर। एफिशिएंसी में ये फ्रैक्शन ऑफ टाइम के हम एक स्पेसिफिक टाइम में, एक टाइम के एक मखसूस हिस्से में अगर हम देखते हैं कि 1 मिनट है तो उसके हम के जी 1 सेकेंड में क्या उसकी प्रोसेसर की स्पीड है, तो वो हमारे पास फ्रैक्शन टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल जी एफिशिएंसी एडिंग एन नंबर ऑन एन प्रोसेस है पिक क्यूब, तो हमारे पास एन लॉग एन है तो हमने डिवाइड बाय किया 1 ओवर log n, बिग वर्स्ट है यानी वर्स्ट केस बी को हमारे पास ये है। तो हमने क्या किया, एन लॉग हमें पता था मल्टीप्लाई 1 ओवर n, कि हमने एस के साथ 1 ओवर p को, पी हमारे पास एन नंबर ऑफ प्रोसेस हैं, हमने उनके साथ इंक्रीज कर दिया। जैसे ही एस हमारे पास था हमने 1 ओवर p कर दिया एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए, तो 1 ओवर n के एस हमारे पास था TS/TP और ये था हमारे पास n log n s। तो एस को के साथ हमारे 1 ओवर p, p हमारे पास n प्रोसेसर है क्यूब है तो 1 ओवर n। तो एक और पैरामीटर हमारे पास कॉस्ट के, उससे लगे कि कॉस्ट क्या है। कॉस्ट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन अ पैरेलल सिस्टम डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ रन टाइम, कि रन टाइम और नंबर ऑफ प्रोसेस का प्रोडक्ट होता है। कि किसी भी पैरेलल सिस्टम में प्रॉब्लम की कॉस्ट निकालने के लिए हम उसको देखते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं रन टाइम को नंबर ऑफ प्रोसेसर के साथ। तो इसमें भी कुछ टाइप्स हैं। कॉस्ट ऑप्टिमल, अ पैरेलल सिस्टम सॉल्व अ प्रॉब्लम विद द कॉस्ट प्रोपोर्शनल टू एग्जीक्यूशन टाइम फास्टर ऑन सिक्वेंशियल एल्गोरिदम ऑन अ सिंगल प्रोसेसर। तो सिक्वेंशियल एल्गोरिदम हो रहा है सिंगल प्रोसेसर में, वो हमारे पास कॉस्ट ऑप्टिमल टाइम होता है जो सॉल्व कर रहे हैं हमारे प्रॉब्लम विद द कॉस्ट प्रोपोर्शनल एग्जीक्यूटेड टाइम फास्टेस्ट नोन। फॉर एग्जाम्पल जी कॉस्ट इज एन लॉग एन है कि एन लॉग एन से यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रनिंग टाइम को हमने नंबर ऑफ प्रोसेस से प्रोडक्ट ले लिया। फॉर द सिक्वेंशियल एल्गोरिथम दिस द सिस्टम इज नॉट कॉस्ट ऑप्टिमल। ग्रैनुलरिटी लेवल्स होते हैं और परफॉर्मेंस होती है। इसमें हम क्या देखते हैं जी, यूज लेस देन मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसर, कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसर कम से कम इस्तेमाल हो एक प्रॉब्लम को एग्जीक्यूशन करने के। यूज लेस देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसर
इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ इंक्रीज ग्रैनुलरिटी। ग्रैनुलरिटी हमारे पास लेवल ऑफ थिंग्स होती है कि लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं या लेवल ऑफ प्रोसेसर्स हैं। कंप्यूटेशन इन इन ईच प्रोसेसर के हमारे पास प्रोसेसर